हेलो फार्मर्स, आपका और एक नए गोट फार्मिंग के वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में बकरियों को किस प्रकार से देख रेख करें जिससे कि उनमें जो लू लगने की शिकायत रहते हैं वो कम हो जाए। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि बकरियों और उनके बच्चों को सभी को अंदर घुसा दिया गया हुआ है, क्योंकि बाहर में बहुत ही ज़्यादा धूप है जिसके कारण इन्हें अंदर फार्म यानी शेड में रखा गया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि सभी को खिंदरियों में रखा गया हुआ है और छोटे बच्चे भी हैं जो कि अपने माओं के साथ इन्हें छोड़ दिया गया हुआ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ गर्मियों में पानी देना, आप जितना इन्हें पानी पिलाएंगे उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आप दो टाइम तीन टाइम जितना आप पानी दें बहुत ही बेहतर रहेगा और लू लगने की शिकायत कम रहेंगे। ज़्यादातर पानी पीने के लिए बहुत से ऐसे चीज़ को आप मिला सकते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप इन्हें ज़्यादा जो बच्चे भी होते हैं वो ज़्यादातर यदि लू चल रहे हैं तो आप इन्हें ग्लूकोन डी भी आप दे सकते हैं। और भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ बताने से पहले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे ज़रूरी यह है कि जब आपके बकरियाँ धूप में रहती हैं तो तुरंत जब छांव में लेते जाते हैं तो तुरंत पानी ना पिलाएं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे तुरंत जब छांव में आते हैं और तुरंत पानी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उसी प्रकार बकरियों को भी जब छांव में लाते हैं तो तुरंत पानी ना दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बकरियां धूप में रहने के कारण उनका टेम्परेचर हाई चला जाता है और जब आप अचानक से उनमें पानी देते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है जिसके कारण बुखार या फिर अन्य ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो कि आपके जो बकरी हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। तो आप कुछ देर रुक जाएं, जैसे कि लगभग जितना उनका टेम्परेचर है उतना मिनिमम उनके लेवल में आ जाए, जैसे कि आधा घंटा आप रुक जाएं, तो उसके बाद पानी पिलाएं। और अवश्य ही गर्मियों में बकरियों को दो टाइम ज़रूर पानी पिलाएं जिससे आपकी बकरियाँ बीमार नहीं पड़ेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।